नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निधि और आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूं मसाला पूड़ी की रेसिपी, जो काफ़ी क्रिस्पी और चटपटी बनती है। इसके साथ कोई भी सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अक्सर हम लोग के घरों में ऐसा होता है कि सब्जी ख़त्म हो जाती है और हम लोग परेशान रहते हैं कि ऐसा क्या बनाएं जिससे पेट भी भर जाए और टेस्ट भी पूरा रहे। तो ये रेसिपी आपको पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने बड़ी सौंफ 1 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच काली मिर्च लिया है हल्का रोस्ट करके। इसे हमें अच्छे से कूट लेना है और अगर आप कूटना नहीं चाहते हैं तो मिक्सी जार में इसे हल्का सा क्रश कर लें। तो कुछ मसाला हम लोग का खड़ा दिखना चाहिए और कुछ मसाला बारीक हो जाना चाहिए, इस तरह से। इसे साइड में रख देंगे और एक बोल लेंगे जिसमें मैंने 300 ग्राम गेहूं का आटा डाला है और इसमें मिक्स किया है 100 ग्राम बारीक सूजी। सूजी डालने से जो पूड़ी बनती है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और यहाँ पे जो मसाला मैंने पीसा था उसको डाल देंगे। अक्सर दोस्तों उबले हुए आलू भी कुछ लोग मिक्स करते हैं इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि आलू डालने से पूड़ी में काफ़ी ऑयल आ जाता है, सोख लेती है पूड़ी आलू होने की वजह से, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ उबले हुए आलू डालने के लिए पूड़ी में। तो थोड़ा सा मैंने हल्का नमक डाला है स्वाद के अनुसार और 1/2 चम्मच हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 चम्मच। हरी धनिया इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। इसके बाद कसूरी मेथी ऐड करना है 1 चम्मच। तो ये चम्मच छोटा है इसलिए मैं 2 बार ले रही हूँ। और फिर हींग हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है, ये काफ़ी अच्छा पाचक होता है तो आप इसे ज़रूर मिक्स करें। फिर 3 चम्मच पिघला हुआ देसी घी ऐड कर दिया है, इससे पूरी सॉफ्ट बनेगी। मिक्स करने के बाद आप इसमें 1/2 चम्मच फिर से गरम मसाला मिला दें 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर मैंने मिक्स किया है, क्योंकि मसाला पूड़ी है तो इसमें मसाले डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और गुनगुने पानी से मिक्स करते हुए एक डो बना लेंगे हम लोग इस तरह से, और 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए और एडजस्ट हो जाए। तो 20 मिनट हो चुका है और आटे को मैंने फिर से हल्का सा सेट कर लिया है और इस तरह से आटा हम लोग का रेडी है, गुथा हुआ आटा रेडी है। लोई हम लोग छोटी छोटी पूड़ी के लिए तोड़ लेंगे और ड्राई आटा लगा के मैंने इसे पूड़ी के शेप में बेल लिया है। तो सारी पूड़ी बारी बारी करके हम लोग बेल लेंगे और इसी दौरान मैंने ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया है गैस पे, ऑयल गरम हो रहा है। तो ये देखिए मसाला पूड़ी हम लोग की यहाँ पे बेल के रेडी मैंने कर लिया है और ऑयल गरम है और ये देखिए पूड़ी इसमें मैंने डाल दिया और फटाफट ये पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूलने लगी हैं। तो सारी पूड़ियाँ आप इसी तरह से निकाल लें और ये देखिए कितनी कुरकुरी करारी क्रिस्पी पूड़ी बनी है और बहुत ही चटपटी है। आप इसे रायते के साथ और या तो चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये पूड़ी हमारी बन के रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा और बच्चे तो बहुत ही पसंद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक, अपनी रिव्यूज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह से कोई अच्छी रेसिपी के साथ जो काफ़ी हेल्दी और चटपटी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।